हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमः शिवाय। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैंने सुबह बना दिया था, ड्यूटी गए थे जब, तो उसके बाद बच्चों ने खाया नहीं। उन्होंने बोला सीधा भात ही बना के, मैंने चावल बनाए, हरी सब्जी बनाई और दाल बनाई और बन गया, लेकिन बच्चों ने खाया ही नहीं। वो एक तो चले गया कॉलेज अब आ रहा है, और दूसरा भी अभी खाने के लिए तैयार नहीं है। वो पता नहीं क्या कर रहा है नीचे। आजकल दोनों बच्चे आ रखे हैं, तो थोड़ा बिजी हो रखी हूँ, और बिजी हूँ तो ब्लॉग भी नहीं बन रहा है, और बच्चों के साथ ही थोड़ा टाइम मिल रहा है तो गपशप हो रही हैं। बस ऐसे ही मैं दिन कट रहा है। अच्छा, तो ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, माफ़ करना, मेरे को माफ़ी दे देना, आजकल नहीं बन पा रहा है। क्योंकि ब्लॉग तो ये है कि अकेले में रहने का साधन है मेरे। जब अकेली रहती हूँ तो कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, बताती रहती हूँ ऐसे। और आजकल टाइम नहीं मिल रहा है, और धूप भी जाने वाली है, पता नहीं कहाँ चले गए। आगे तक खाना खाते तो सही था। और ये बच्चे यहाँ पर पड़े हुए हैं, इनको मैंने सुबह रोटी दी थी। ये कालू है और शेरू है, ये मस्त रात भर भौंकते रहते हैं, उठे रहते हैं, तो इस समय ये आराम करते रहते हैं, मतलब मरे जैसे बने हुए हैं। इनको खाने की इस समय कोई जरूरत नहीं, थोड़ी देर में उठेंगे ये खाने के लिए कि कुछ खाने को दो, तब देना पड़ेगा इनको। और अभी यहाँ पे धूप है तो ये यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ी देर में ये चले जाएंगे नीचे खेतों में जहाँ इनको धूप मिलेगी। अभी थोड़ा धूप है तो शेरू क्या सोया ऐसे धूप में जा। अरे अरे, ये क्या डांस हो रहा है? डांस कर रहा है डांस। ले 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 ले, अरे वाह, बस बस बस, धूप में बैठ जा, धूप में जा। ठंडा नहीं लग रहा? ठंडा नहीं लग रहा तेरे को? ओए शेरू, कालू, कालू की खुजली नहीं ठीक हो रही है? हैं कालू, कालू हाथ लगाने नहीं देता ना, तो लगाने की दवाई कैसे लगाऊं इसको? पूरे इसके बाल भी झड़ गए। खाने की दवाई दी थी उसने, कुछ खास असर हुआ नहीं इस पे, पता नहीं क्या हो गया इसको। ये जंगल की आड़ है ना, ये इसलिए हवा रुक जाती है, जंगल पेड़ों पे से रुक जाती है। जब पहले शुरू में जब मैं गई थी पहले वहाँ बहुत ठंडा लगी थी बाहर में ना, इस बार के वहाँ बस क्या हिमालय पर्वत ये पड़ा पर्वत पर, तो ये बर्फ और कहीं नहीं दिख रहा। गाल फटल ठंडा होता है ना घर में। फिर कहाँ जा रही थी? दादी के पास। दादी के घर जा रही थी? कहाँ है दादी? दादी कहाँ है? दादी कहाँ है? दादी को क्यों नहीं लेके आई? दादी कहाँ है? बोलती है ये, हाँ बोलने लगी जैसे गई ना वहाँ, तो वहाँ जाके इसने दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई सब बोलने लगी, भैया अब दीदी, वही जाके बोला साहब। तो हम चले घूमने के लिए, और आजकल दिन थोड़े बड़े हो गए, तो शाम की 5 बज गई होंगी, लेकिन अभी ठीक है। कब पहले तो 5 बजे तक अंधेरा होने लग जाता था, और आजकल 1 घंटा और बड़ा हो गया दिन 5 बजे तक। अभी तक तो यहाँ धूप थी, अभी बादल छुप आ गए तो बादल के पीछे छुप गए, लेकिन अभी है उजाला। पहले 5 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता था, हम 4:30 बजे निकलते थे या 4 बजे घर से, और अब 5 बजे निकल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी दिन बाद और बड़े हो जाएंगे दिन। ठीक है, फिर मिलते हैं कल फिर से। बाय।